गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू इन माई चैनल एब्सोल्यूट मेंटर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आज मैं आपको क्लास 12th जनरल इंग्लिश का लेसन 3rd दैट इज़ अ फादर्स लेटर पढ़ाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आप मेरा वीडियो इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन, मतलब मैं दोनों लैंग्वेज में ये लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ। अ फादर्स लेटर, पहले यहाँ पर वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कंसिडर, विचार करना, कौशन, चौकसी, ड्रस्ट, पुरातन पंथवी, वैन वी आर, मतलब जब हम पुराने लोगों की तरह सोचें या उनकी तरह बात करें वह पुरातन पंथवी, कॉन्ट्ररी, विपरीत, कंडक्ट, व्यवस्थित रूप से कुछ करना, रिसेंटमेंट, नाराजगी, इनजस्टिस, अन्याय, परसुइट, व्यवसाय, डिसआर्म, किसी से हथियार ले आना, मतलब किसी के हथियार ले लेना, और क्रिटिसाइज, आलोचना करना, यानी बुराई करना। एक्चुअली अ फादर्स लेटर एक ऐसे के फॉर्म में पूरा एक लेटर लिखा हुआ है। एक पिता ने अपने पुत्र को पत्र लिखा है और उसमें ये कहा है कि आपको जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम बात करते हैं कि हमारे हमको माँ बाप की ज़रूरत कब पड़ती है, तो माँ बाप की ज़रूरत तो पूरी ज़िंदगी होती है, हमको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है, लाइफ टाइम हम उनके साथ रहें तो वो हमारे लिए कम है। लेकिन जब हम ज़िंदगी के अलग अलग मोड़ पर आते हैं और अलग अलग मोड़ पर हमारी ज़िंदगी बदलती है, उस समय हमें अपने माँ बाप की और प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अ फादर्स लेटर इसी तरह का एक लेटर है जिसमें एक पिता ने अपने पुत्र को लिखा है कि अब तुम बड़े हो गए हो, मतलब एक टीनेजर एज में आ गए हो और अब तुम क्या करोगे, नई जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो, स्कूल से कॉलेज, हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी से कॉलेज में तुम्हारा प्रवेश होगा। और उस समय तुमको बहुत से अलग अलग लोग मिलेंगे जो तुमको प्यार करेंगे, नफरत करेंगे, तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगे, दुश्मनी करेंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारी तारीफ़ करेंगे, हर तरह के लोग तुमको मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों से तुमको व्यथित नहीं होना, इन सारी चीज़ों से बेचैन नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों को सोचकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। तुमको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचना है, एक अच्छा सही निर्णय लेना है, और सही निर्णय के लिए पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। अगर आप ये देखें कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहें, क्योंकि अगर आप चुप रहते हैं तो अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी है और जितना कि अन्याय करने वाला, और अन्याय करने वाले का साथ देने वाला भी उतना ही दोषी होता है जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है। तो अन्याय के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है, इनजस्टिस के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है, लोग अपने दोस्तों का, अपने जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों का साथ देना है। जीवन में एक सफल इंसान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है आपको। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप वैसे भी सफल हैं, और अगर आप सफल इंसान हैं और अच्छे इंसान नहीं हैं तब भी आपकी सफलता किसी काम की नहीं है। इसलिए पहले सक्सेसफुल बनो और उसके बाद, पहले अच्छे इंसान बनो और उसके बाद सक्सेसफुल बनो। पहले सक्सेसफुल बनते हो फिर अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हो तो आपकी बुरी आदतें कहीं नहीं जाएंगी। एक्चुअली ये सारी बुरी आदतें हमको छोड़ देनी है, हमको अब नए जीवन में प्रवेश करना है। कोई भी दोस्त क्या कर रहा है, कोई भी साथी क्या कर रहा है, वो गलत आदतों में है, गलत संगतियों में है, हमको इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे लोगों से हमको दूरी बना के रखनी है। हम गलत संगति के लिए अपने आप को उनके साथ नहीं जोड़ सकते, कि दोस्ती के लिए हमने गलत आदतों को भी अपना लिया, कि दोस्ती के लिए हम गलत हरकतों पे भी उनका साथ दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमको अपने आप को मेंटेन करके रखना है, अपने आप को बना के रखना है, अपनी डिग्निटी को बना के रखना है, और एक बहुत सफल इंसान बनना है। और सफल इंसान बनने से पहले हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। जब आप एक बहुत अच्छा इंसान बन जाएंगे तो आप अपने जीवन में खुद सफल हो जाएंगे। और आखिरी में फादर ये कहते हैं कि वैसे तो तुम बहुत समझदार हो, अब जीवन में तुमको हर एक चीज़ की ज़रूरत समझाने की नहीं है, फिर भी मेरी ये सलाह है कि अपने जीवन को अच्छी तरह से बिताओ और अपने जीवन पे सही निर्णय लो, और बहुत सोच समझ के और बहुत रिस्पेक्ट के साथ, जो भी बड़े लोग आपको बात बताते हैं, जो समझाते हैं, रिस्पेक्ट के साथ उन सारी चीज़ों को फॉलो करो और इन सारी बातों का अनुसरण करो और एक अच्छे और सफल जीवन की तरफ आगे बढ़ो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।